कल 12 जुलाई को जो शादी है मुकेश अंबानी क्या, वो शादी एक इस देश में पिछले 1.5 साल से 1 साल से जो चल रहा था झूठ, उस झूठ की धज्जियां उड़ा देगी, उस झूठ की धज्जियां उड़ा देगी, क्योंकि मुकेश अंबानी ने अपने लड़के की शादी का कार्ड इस देश के हर पार्टी को बांटा है। अखिलेश यादव को भी दिया है, तेजस्वी यादव को भी दिया है, तेजस्वी यादव को उनके बाप को दिया है, लालू यादव को, स्टालिन को भी दिया है, ममता बनर्जी को भी दिया, कम्युनिस्टों को भी दिया है। और कल ये जो खबरें आ रही है, कल ये सब वहां पर पहुंचेंगे, ये सब उस शादी में शामिल होंगे। तो ये जब इनकी इनकी उपस्थिति उस झूठ की धज्जियां उड़ाएगी जो पिछले 1.5 साल से इस देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये इंडी गैंग चला रहा था, जरा गौर करिए दर्शकों से। अभी तक आपने उस तरफ किसी ने सोचा नहीं है कि 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो चाहे ये कांग्रेसी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, और चाहे वो ममता बनर्जी, ये पूरा इंडी गैंग ये सब एक ही बात कह रहे थे कि ये भाजपा का कार्यक्रम है, इसमें हम कैसे चले जाए। ये तो भाजपा, मतलब उन्होंने राम, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को देश के प्रधानमंत्री के हाथों हो रही थी, उसको नकारने के लिए कहा ये तो भाजपा का कार्यक्रम है, इसमें हम कैसे चले जाए। तो ये पिछले 1.5 साल से लगातार गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का यार मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, ये दो ही नाम लेते हैं हमेशा, और ये चीख चीख कर ये हर मंचों से इन्होंने कहा, चाहे सड़क का मंच हो और चाहे बड़ा मंच हो, रैली का मंच हो, कि इस देश को लूटे ले रहे हैं मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, क्योंकि वो मोदी के यार हैं, यही तो कहते हैं ये। इसके अलावा इनकी कोई दूसरी भाषा नहीं होती। तो जो मोदी का यार है वो पिछले लूट रहा है इस देश को पिछले 10 साल से, उसके यहाँ कल ये क्यों जाएंगे। कल ये बड़े ईमानदार, बड़े चरित्रवान और भ्रष्टाचार के खिलाफ और उन लुटेरों के खिलाफ, उन लुटेरों के यार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो कायदे से तो इनको बायकाट उसी तरह से करना चाहिए था मुकेश अंबानी की शादी का, जैसा इन्होंने भगवान राम के मंदिर का किया था कि ये तो ये भाजपा का कार्यक्रम है। तो कल भी जो शादी हो रही है बंबई में, वो भी मोदी के यार के लड़के की शादी हो रही है, मोदी का यार है वो, और तुम लगातार चिल्लाते रहे हो पिछले 10 12 15 साल से कि यार ये तो मोदी को, मोदी इनको छूट दिया है, तो अंबानी अडानी, अंबानी अडानी के अलावा तीसरा नाम इनको याद नहीं आया। तो कल वहां पर जो उपस्थिति होगी मुकेश अंबानी की शादी में, वो एक बार फिर इन लोगों के नकाब उतारेगी, नकाब नोचेगी, इनको बेनकाब करेगी, और ये बताएगी, देश को संदेश देगी। अब वही बात है कि यहाँ तो कोई इको सिस्टम ही नहीं भाजपा के पास, ये कैसे पहुंच गया वहां पे, एक लुटेरे के यहाँ, एक चोर के यहाँ, देश को लूटने वाले के यहाँ, जिसने लूट लिया इस देश को, उसके लौंडे की शादी में उद्धव का लड़का पहले नाच रहा 3 दिन पहले से, जरा गौर करिए। ये उद्धव ठाकरे बड़ा चेहरा है इंडी गठबंधन का, बड़ा चेहरा, ये मुख्यमंत्री था इंडी गठबंधन का महाराष्ट्र में, और उसका लड़का 3 दिन पहले से नाच रहा है अंबानी के यहाँ शादी में, और अंबानी लुटेरा है, तो ये लुटेरा भी कहते हैं, उसके यहाँ नाचते भी हैं, उसके यहाँ कल सब जाके ठमके बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे, क्यों। तो ये इस देश के आम आदमी के साथ ये कैसा खिलवाड़ करते हैं, कैसा कैसे उसको लूटते हैं झूठ बोलकर, ये कल पूरा काला चिट्ठा कल सबके सामने होगा, जब वो अंबानी की शादी में सब हाजिरी लगाएंगे, वहां जाके गर्दन झुकाएंगे अपनी। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो जनता में गाली बकते हैं चुनाव में वोट लेने के लिए, और वैसे उसके यहाँ जाकर हाजिरी लगाते हैं, नतमस्तक होते हैं। कल आपको सारे नाम सामने आ जाएंगे।